मुजफ्फरनगर में तितावी थाना पुलिस ने एक तमंचा फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए दो साथी हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से भारी मात्रा में बने अधबने तमंचे और तमंचे बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। ये साथी बदमाश एक तमंचे को 2 से 2500 रुपए में बेचते थे। अब तक ये 15 से 20 लोगों को हथियार बेच चुके हैं। पुलिस ने साथी बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल मामला जनपद मुजफ्फरनगर के तितावी थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि कुछ लोग काली नदी के पास अवैध असला बनाकर लोगों को बेचते हैं। सूचना मिलने पर तितावी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छापेमारी की, जिसके बाद पुलिस ने मौके से दो साजिश हथियार तस्कर आरिफ और तालिब को मौके से गिरफ्तार किया है। बदमाशों के कब्जे से 2 मस्कट, 315 बोर के 2 तमंचे और भारी मात्रा में बने अधबने तमंचों के साथ साथ हथियार बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं। एसपी देहात अजय सहदेव ने जानकारी देते हुए बताया कि ये थाना अध्यक्ष तितावी को सूचना मिली थी कि उनके क्षेत्र में काली नदी के पास कुछ लोग जो कि अवैध शस्त्रों का निर्माण कर रहे हैं और बेच रहे हैं, तो उन्होंने आज जानकारी देने के उपरांत दबिश दी है। इसमें दो लोग गिरफ्तार किए गए हैं, एक आरिफ है और एक तालिब है, एक झोला का है और एक सरूरपुर मेरठ का है। इनसे काफ़ी भारी मात्रा में बना और अधबना आर्म्स पकड़े गए हैं, जिसमें इनको बनाने का काफ़ी सारा सामान, लेथ मशीन और आरी और तमाम जो बनाने का सामान होता है वो मिला है, जिसमें 2 बनी हुई मस्कट, 12 बोर की, 315 के 2 तमंचे, 12 बोर के 1 तमंचा और अधबने तमंचे काफ़ी मिले हैं। इन दोनों का पहले का रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है कि इन्होंने क्या कभी पहले भी इस तरह की कोई हरकत करी है, और इन्हें आज गिरफ्तार करके जेल भी भेजा जा रहा है। क्राइम स्टोरी के लिए मुजफ्फरनगर से दीपक वस्त की रिपोर्ट।